नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं रा 24। बहरोड से अलवर रोड स्थित शिवानी गेस्ट हाउस पर आज एक बार फिर से सैकड़ों लोग जमा थे और गेस्ट हाउस पर पुलिस का कड़ा पहरा था। आज गेस्ट हाउस पर एक ऐसी घटना हुई कि हर आदमी सुनते ही सहम गया। गेस्ट हाउस पर एक नहीं, दो लोगों की गोली चलने से होटल के कमरे में ही मौत हो गई और कमरे का मंजर हृदय विदारक था। बेड पर और कमरे में खून से लथपथ दो लाशें और चारों तरफ पड़ा सामान था। पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार यादव पुत्र धर्मवीर यादव बेगपुर अटेली और निशा यादव पुत्री तेजपाल यादव निवासी खैरतल ने सुबह गेस्ट हाउस में कमरा किराए पर लिया, लेकिन थोड़ी ही देर में उस कमरे में गोलियों की आवाज़ सुनकर कर्मचारी दौड़े और देखा कि दोनों युवक युवती खून से लथपथ पड़े हैं। उन्होंने पुलिस को सूचित किया तो बहरोड SHO भरत लाल मेहर मैं जाप्ते के पहुँचे और अलवर से FSL टीम को बुलाया गया। गेस्ट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों को पुलिस ने खदेड़ा भी। दोनों मृतक युगल को पुलिस टेम्पो में डालकर सरकारी अस्पताल लाए और डॉक्टर आदर्श अग्रवाल की देखरेख में एक्सरे रिपोर्ट बनाई गई। डॉक्टर आदर्श अग्रवाल ने बताया कि युवती के कान के ऊपर कनपट्टी में गोली लगी, जबकि युवक ने अपने आप को माथे के बिल्कुल बीचों बीच गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों को सौंप दी गई। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। युवक कृष्ण यादव गुड़गांव की एक कंपनी में काम करना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार कृष्ण कुमार ने पहले निशा को गोली मारी और बाद में खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साथ ही पुलिस ने घटना स्थल पर एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। आज सुबह सूचना मिली कि शिवानी गेस्ट हाउस में कोई लड़के लड़की ने आपस में गोली चला के सुसाइड कर लिया। मौके पर आके देखा तो एक लड़का जिसका नाम कृष्ण सनम धर्मवीर यादव है, जो बेगपुर अटेली महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, निशा देवी डॉक्टर ऑफ तेजपाल यादव खैरतल की रहने वाली है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, बाकी जांच जारी है और वारिसान मौके पर आ गए। FSL टीम को बुला लिया गया और अभी अनुसंधान। सर हथियार मिला? हाँ, एक हथियार कट्टा मिला है, जांच कर कुछ कारण पता लगा किस तरह की आत्महत्या। अभी का मृत्यु कारणों को आत्महत्या करने का सुसाइड का कोई कारण नहीं मिला, जाँच चल रही। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे रा 24। नमस्कार।